नमस्कार, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंत्री परिषद के माननीय सदस्यगण, अन्य आमंत्रित महानुभाव, यूनियन बजट 2021 में हेल्थ सेक्टर संबंधी अनेकों महत्वाकांक्षी घोषणाएं की गई हैं, उनके क्रियान्वयन संबंधी वेबिनार में हम मंत्रालय की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। ये जो कार्यक्रम थोड़ा आपको विशेष लगता होगा, इस बार बजट के बाद हमने तय किया कि बजट में जो चीज़ें तय की गई हैं उन्हीं लोग चीज़ों को लेकर के अलग अलग सेक्टर जिनका इस बजट की प्रावधानों से सीधा संबंध आता है, उनसे विस्तार से बात करें और 1 अप्रैल से जब नया बजट लागू हो तो उसी दिन से सारी योजनाएं भी लागू हों, सारी योजनाएं आगे बढ़े और फरवरी और मार्च इसका भरपूर उपयोग इस तैयारी के लिए किया जाए। बजट जब हमने पहले की तुलना में करीब 1 महीना प्रीपोन किया हुआ है तो हमारे पास 2 महीने का समय है, उसका मैक्सिमम लाभ हम कैसे लें। और इसलिए लगातार अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात हो रही है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंधित सबसे बात हुई, कभी डिफेंस सेक्टर से संबंधित सबसे बात हुई, आज मुझे हेल्थ सेक्टर के लोगों से बात करने का मौका मिला है। इस वर्ष के बजट में हेल्थ सेक्टर को जितना बजट आवंटित किया गया है वो अभूतपूर्व है। ये हर देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरी मानव जात के लिए और खास करके हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं, अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं। कुछ महीनों के भीतर ही जिस तरह देश ने करीब 2500 लैब्स का नेटवर्क खड़ा किया, कुछ दर्जन टेस्ट से हम आज करीब 21 करोड़ टेस्ट के पड़ाव तक पहुंच पाए, ये सब सरकार और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने से ही संभव हुआ है। साथियों, कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है बल्कि भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए भी देश को तैयार करना है। इसलिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्रों को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन्स तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन्स तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश में भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के पीछे मूलतः यही प्रेरणा है। इस योजना के तहत रिसर्च से लेकर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट तक देश में ही एक आधुनिक इकोसिस्टम विकसित करना
तय किया गया है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हर स्पेक्ट्रम में हमारी क्षमताओं में वृद्धि करेगी। 15वें वित्त आयोग इसकी सिफारिशें स्वीकार करने के बाद हमारी जो लोकल बॉडीज हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं को की व्यवस्थाओं के लिए 70,000 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त मिलने वाला है। यानी सरकार का जोर सिर्फ हेल्थ केयर में निवेश पर ही नहीं है, बल्कि देश के दूरदराज वाले इलाकों तक हेल्थ केयर को पहुंचाने का भी है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हेल्थ सेक्टर में किया गया निवेश स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाता है। साथियों, कोरोना के दौरान भारत के हेल्थ सेक्टर ने जो मजबूती दिखाई है, अपने जिस अनुभव और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसे दुनिया ने बहुत बारीकी से नोट किया है। आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा एक नए स्तर पर पहुंचा है। हमें इस भरोसे को ध्यान में रखते हुए भी अपनी तैयारियां करनी है। आने वाले समय में भारतीय डॉक्टरों की डिमांड विश्व में और ज्यादा बढ़ने वाली है और कारण है ये भरोसा। आने वाले समय में भारतीय नर्सिस, भारतीय पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ेगी, आप लिख करके रखिए। इस दौरान भारतीय दवाइयां और भारतीय वैक्सीनों ने एक नया भरोसा हासिल किया है। इनकी बढ़ती डिमांड के लिए भी हमें अपनी तैयारी करनी होगी। हमारे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पर भी स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान जाएगा, उस पर भरोसा बढ़ेगा। आने वाले दिनों में दुनिया के और देशों से भी मेडिकल एजुकेशन के लिए, भारत में पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों के आने की संभावना भी बढ़ने वाली है और हमें इसे प्रोत्साहित भी करना चाहिए। कोरोना के दौरान हमने वेंटिलेटर और अन्य सामान बनाने में जो महारत हासिल कर ली है, इसकी वैश्विक डिमांड पूरी करने के लिए भी भारत को तेजी से काम करना होगा। क्या भारत ये सपना देख सकता है कि दुनिया को जिस जिस आधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता है वो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बने, भारत ग्लोबल सप्लायर कैसे बने और एफोर्डेबल व्यवस्था होगी, सस्टेनेबल व्यवस्था होगी, यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होगी, मैं पक्का मानता हूं दुनिया की नजर भारत की तरफ जाएगी और हेल्थ सेक्टर में जरूर जाएगी। साथियों, सरकार का बजट निश्चित तौर पर एक कैटेलिक एजेंट होता है, लेकिन बात तभी बनेगी जब हम सब मिलकर के काम करेंगे। साथियों, स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार की अप्रोच पहले की सरकारों की सोच से जरा अलग है। इस बजट के बाद आप भी ये सवाल देख रहे होंगे, जिसमें स्वच्छता की बात होगी, पोषण की बात होगी, वेलनेस की बात होगी, आयुष का हेल्थ प्लानिंग होगा, ये सारी चीजें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। यही वो सोच है जिसकी वजह से पहले हेल्थ सेक्टर को आमतौर पर टुकड़ों में देखा जाता था और टुकड़ों में ही उसको हैंडल किया जाता था। हमारी सरकार हेल्थ इश्यूज को टुकड़ों के बजाय एक होलिस्टिक तरीके से,
एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ से और एक फोकस तरीके से देखने का प्रयास कर रही है। इसलिए हमने देश में सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, वेलनेस पर फोकस करना शुरू किया है। हमने प्रिवेंशन से लेकर क्योर तक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई है। भारत को स्वस्थ रखने के लिए हम चार मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा है बीमारियों को रोकने, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और प्रमोशन ऑफ वेलनेस। स्वच्छ भारत अभियान हो, योग पर फोकस हो, पोषण से लेकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर सही केयर और ट्रीटमेंट हो, शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का प्रयास हो, ऐसे हर उपाय इसका हिस्सा है। दूसरा मोर्चा गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का है। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं यही काम कर रही हैं। तीसरा मोर्चा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। बीते 6 साल से एम्स और इस स्तर के दूसरे संस्थानों का विस्तार देश के दूर सुदूर के राज्यों तक किया जा रहा है। देश में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने के पीछे भी यही सोच है। चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर, फोकस तौर पर और समय सीमा में हमें काम करना। मिशन इंद्रधनुष का विस्तार देश के आदिवासी और दूरदराज के इलाकों तक किया गया है। देश से टीबी का खिलाफ जंग और टीबी को खत्म करने के लिए दुनिया ने 2030 का टारगेट रखा है, भारत ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है। और मैं चाहूंगा कि टीबी की तरफ से इस समय विशेष ध्यान इसलिए देने के लिए मैं कहूंगा कि टीबी भी एक प्रकार से इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से ही फैलती है। टीबी की रोकथाम में भी मास्क पहनना, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये सारी बातें अहम है। ऐसे में कोरोना काल में जो हमें अनुभव मिला है, जो एक प्रकार से हिंदुस्तान के कॉमन मैन तक पहुंच चुका है, अब उसी हमारी प्रैक्टिसेस को हम टीबी के क्षेत्र में भी उसी मोड में काम करेंगे तो टीबी से जो हमें लड़ाई लड़नी है बहुत आसानी से हम जीत सकते हैं। और इसलिए कोरोना का एक्सपीरियंस, कोरोना के कारण जन सामान्य में जो जागरूकता आई है, वो बीमारी से बचने में भारत के सामान्य नागरिक ने जो योगदान दिया है, उन सारी चीजों को देख करके लगता है कि इसी मॉडल को आवश्यक के सुधार के साथ, एडिशन ऑल्टरनेशन के साथ, अगर हम टीबी पर भी लागू करेंगे तो 2025 का टीबी मुक्त भारत का सपना हम पूरा कर सकते हैं। इसी तरह आपको याद होगा हमारे यहाँ खासकर के उत्तर प्रदेश में गोरखपुर वगैरह जो क्षेत्र हैं, जिसे पूर्वांचल भी कहते हैं, उस पूर्वांचल में दिमागी बुखार से हर वर्ष हजारों की तादाद में बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती थी। भारत के संसद में भी उसकी चर्चा होती थी। एक बार तो इस विषय पर चर्चा करते हुए हमारे वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बहुत रो पड़े थे उन बच्चों के मरने की स्थिति देख करके। लेकिन जब से वो वहां मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक प्रकार से फोकस एक्टिविटी की, पूरी तरह जोर लगाया, आज हमें बहुत आशास्पद परिणाम मिल रहे हैं। हमने दिमागी बुखार को फैलने से रोकने पर जोर दिया, इलाज की सुविधाएं बढ़ाई, तो इसका अब असर भी देख रहा है। साथियों, कोरोना काल में आयुष से जुड़े हमारे नेटवर्क ने भी बेहतरीन काम किया है। ना सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को लेकर, बल्कि इम्यूनिटी
और साइंटिफिक रिसर्च को लेकर भी हमारा आयुष का इंफ्रास्ट्रक्चर देश के बहुत काम आया है। भारत की दवाओं और भारत की वैक्सीन के साथ साथ हमारे मसालों, हमारे काढ़े का भी कितना बड़ा योगदान है, ये दुनिया आज अनुभव कर रही है। हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन ने भी विश्व मन पे अपनी एक जगह बनाई है। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े हुए लोग हैं, जो उसके उत्पादन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो आयुर्वेदिक परंपराओं से परिचित लोग हैं, हमारा फोकस भी ग्लोबल रहना चाहिए। विश्व जिस प्रकार से योग को आसानी से स्वीकार कर रहा है, वैसे ही विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ गया है। साइड इफेक्ट से मुक्त हेल्थ केयर विश्व का ध्यान गया है, उसमें भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत काम आ सकती है। भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो मुख्यतः हर्बल बेस है और उसके कारण विश्व में उसका आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ सकता है। हार्म के संबंध में लोग निश्चिंत होते हैं, इससे कोई हार्मफुल नहीं है, क्या हम उसको भी जोर लगा सकते हैं? हमारे हेल्थ के बजट को और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग मिलकर के कुछ कर सकते हैं। कोरोना के दौरान हमारी परंपरागत औषधियों की ताकत देखने के बाद हमारे लिए खुशी का विषय है और आयुर्वेद में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में विश्वास करने वाले भी सही और उसमें उससे अलग हमारे मेडिकल प्रोफेशन जुड़े हुए लोगों के लिए गर्व की बात है कि विश्व स्वास्थ्य सेंटर WHO भारत में अपना ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी शुरू करने जा रहा है। ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, भारत सरकार उसकी प्रक्रिया भी कर रही है। ये जो मान सम्मान मिला है इसको हमें दुनिया तक पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है। साथियों, एक्सेसिबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी को अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का समय है और इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल हेल्थ मिशन देश के सामान्य नागरिकों को समय पर सुविधा के अनुसार प्रभावी इलाज देने में बहुत मदद करेगा। साथियों, बीते सालों की एक और अप्रोच को बदलने का काम तेजी से किया गया है। ये बदलाव आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है। आज हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इस बात पर गर्व करते हैं, लेकिन आज भी कई बातों के लिए जो रॉ मटेरियल है उस पर हम विदेशों पर निर्भर है। दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस के रॉ मटेरियल, इसके लिए देश पर निर्भरता हमारी इंडस्ट्री के लिए भी विदेशों पर गुजारा करना कितना बुरा अनुभव हम देख चुके हैं, ये सही नहीं है। इसलिए गरीबों को सस्ती दवाएं और उपकरण देने में भी ये बहुत बड़ी कठिनाई पैदा करते हैं। हमें इसका रास्ता खोजना ही होगा। भारत को हमें इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। इसके लिए चार विशेष योजनाएं इन दिनों की गई हैं, बजट में भी उसका उल्लेख है, आपने भी अध्ययन किया होगा। इसके तहत देश में ही दवाओं और मेडिकल उपकरणों के रॉ मटेरियल के उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, PLI। इसी तरह दवाएं और मेडिकल डिवाइसेस बनाने के लिए मेगा पार्ट्स के निर्माण को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। साथियों, देश को सिर्फ लास्ट माइल हेल्थ एक्सेस ही नहीं, लेकिन हमें हिंदुस्तान के हर कोने में, दूर दूराज के क्षेत्रों में, जैसे हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है तो रिपोर्ट आती है कि एक मतदाता था वहां भी पोलिंग बूथ लगा। मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर में भी एजुकेशन, ये दो ऐसे विषय हैं
कि जहां एक नागरिक होगा तो भी हम पहुंचेंगे, ये हमारा मिजाज होना चाहिए और हमें इस पर जोर देना है, उस पर हमें पूरी कोशिश करनी है और इसलिए सभी क्षेत्रों में हेल्थ एक्सेस पर भी हमें जोर देना है। देश को वेलनेस सेंटर्स चाहिए, देश को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स चाहिए, देश को क्रिटिकल केयर यूनिट चाहिए, देश को हेल्थ सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, देश को आधुनिक लैब चाहिए, देश को टेलीमेडिसिन चाहिए। हमें हर स्तर पर काम करना है, हर स्तर को बढ़ावा देना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि देश के लोग, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो सुदूर इलाकों में रहते हो, उन्हें बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले और समय पर मिले। और इन सभी के लिए जब केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और देश का प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे तो बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर पीएम जय में हिस्सेदारी के साथ साथ पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज का नेटवर्क बनाने में पीपीपी मॉडल को भी सपोर्ट कर सकता है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नागरिकों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और दूसरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लेकर भी साझेदारी हो सकती है। मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर एक मजबूत साझेदारी के रास्ते निकाल पाएंगे, स्वस्थ और समर्थ भारत के लिए आत्मनिर्भर समाधान तलाश कर पाएंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये हम जो एक स्टेक होल्डर्स के साथ इस विषय के जो ज्ञाता लोग हैं उनके साथ जो चर्चा कर रहे हैं, बजट जो आना था आ गया है, बहुत सी आपकी अपेक्षाएं होगी वो शायद इसमें नहीं होगा, लेकिन उसके लिए कोई ये कोई आखिरी बजट नहीं है, अगले बजट में देखेंगे। आज तो जो बजट आया है इसका तेज गति से ज्यादा और जल्दी से जल्दी हम सब मिलकर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, व्यवस्थाएं कैसे विकसित करें, सामान्य मानवीय तक पहुंचने में हम तेजी कैसे लाएं, मैं चाहूंगा कि आप सबका अनुभव, आपकी बातें आज भारत सरकार को बजट के बाद, हम पार्लियामेंट में तो चर्चा करते हैं, पहली बार बजट की चर्चा संबंधित लोगों से हम कर रहे हैं, बजट के पूर्व चर्चा करते हैं तब सुझाव की होती है, बजट के बाद चर्चा करते हैं तब समाधान की होती है। और इसलिए आइए हम मिलकर के समाधान निकालें, हम मिलकर के बहुत तेज गति से आगे बढ़ें और हम सब मिलकर के चलें। सरकार और आप अलग नहीं है, सरकार भी आप ही की है और आप भी देश के लिए ही हैं। हम सब मिलकर के देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हम सब मिलकर के हेल्थ सेक्टर का उज्जवल भविष्य, तंदुरुस्त भारत के लिए हम सब इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आप सब ने समय निकाला है, आपका मार्गदर्शन बहुत काम आएगा, आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत काम आएगी। मैं फिर एक बार, आपने समय निकाला इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपके मूल्यवान सुझाव हमें आगे ले जाने में बहुत काम आएंगे। आप सुझाव भी देंगे, साझेदारी भी करेंगे, आप अपेक्षाएं भी करेंगे, जिम्मेदारी भी उठाएंगे, इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अनेक महत्वपूर्ण परामर्श और दिशा निर्देश दिए हैं, इन सब का क्रियान्वयन हम तीव्र गति से और पूरी प्रतिबद्धता से करेंगे। हम पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। माननीय महानुभावगण।